नोटबंदी के बाद तमाम एजेंसीज ने ग्रोथ रेट अनुमान घटा दिया। ऐसे में सरकार ग्रोथ को रफ्तार देने के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रही है। आने वाले बजट में जहां लोगों को इनकम टैक्स में छूट का तोहफा मिल सकता है, वहीं व्यापारियों को भी कॉरपोरेट टैक्स में छूट देकर सरकार बिजनेस सेंटिमेंट सुधारना चाहती है। देखिए रिपोर्ट। डीमोनेटाइजेशन से हुई तकलीफ पर मरहम लगाने के लिए सरकार आने वाले बजट में इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स में छूट का ऐलान कर सकती है। सरकार की मंशा इनकम टैक्स में छूट देकर मांग और निजी निवेश बढ़ाने की है। साथ ही इनकम टैक्स फ्रेमवर्क में बदलाव कर सरकार टेक होम सैलरी भी बढ़ाना चाहती है, ताकि लोगों की जेब में ज्यादा पैसे आए और वो ज्यादा खर्च कर सकें। सरकार की कोशिश जहां ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाने की है, वहीं ईमानदारी से टैक्स अदा कर रहे लोगों को फायदा पहुंचाने की भी है। वित्त वर्ष 2015 में केवल 3,91,00,000 लोगों ने टैक्स रिटर्न भरा था, जिसमें से 1,83,00,000 लोगों ने औसत ₹26,000 टैक्स अदा किया था। ऐसे में 2.5 से 5 लाख के टैक्स स्लैब का दायरा बढ़ाया जा सकता है या इसका रेट कम किया जा सकता है। फिलहाल 2.5 से 5 लाख के स्लैब में 10%, 5 से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ज्यादा इनकम पर 30% टैक्स लिया जाता है। सूत्रों के मुताबिक सरकार स्टैंडर्ड रिडक्शन को दोबारा लागू कर सकती है। 2006 के बजट में इसे खत्म कर दिया गया था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नोटबंदी के बाद बैंक डिपॉजिट बढ़ने और GST लागू होने की बढ़ती संभावना के बीच सरकार के पास टैक्स बेस बढ़ाने का अच्छा स्कोप है। सरकार का जोर इस बात पर होगा कि टैक्स ब्रैकेट का दायरा बढ़ाया जाए और हाउसिंग लोन में कटौती जैसे विकल्पों पर फोकस किया जाए। इसके अलावा सरकार की कोशिश कॉरपोरेट टैक्स में कटौती कर कंपनियों को ज्यादा निवेश के लिए प्रेरित करने की भी है। कॉरपोरेट टैक्स को लेकर सरकार पहले ही रोड मैप दे चुकी है, जिसके मुताबिक 4 साल में इसे 25% पर लाया जाना है। पिछले बजट से इसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इस बार निवेश बढ़ाने के लिए बड़ी छूट का ऐलान हो सकता है। बजट में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने वाले बिजनेस को छूट का ऐलान भी हो सकता है। जाहिर है नोटबंदी के बाद इकोनॉमिक ग्रोथ में कमी के अनुमान के बीच सरकार के लिए ग्रोथ को रफ्तार देना बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।